फ्रेंड्स राइट इन्फॉर्मेशन के साथ रियल वीडियो लेके आओ। तो फ्रेंड्स देखिए वोटर पोर्टल में बड़ी अपडेट आ चुका है। इस अपडेट के अनुसार आप बहुत ही इजी तरीके से आपका वोटर आईडी कार्ड अब बना सकते हो। तो देखिए अगर आपका एज 18 ईयर से ज्यादा है और आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो आप बहुत ही आसान तरीके से इस वीडियो को देखने के बाद आप वोटर आईडी कार्ड को बना सकते हो। और देखिए ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका नेम तो वोटर लिस्ट में है लेकिन उनके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है, वो भी आसान तरीके से बना सकते हो। और देखिए अगर आपके पास जो वोटर आईडी कार्ड उसमें कुछ भी मतलब टूट गया है या खो गया है, आप दूसरा वोटर आईडी कार्ड मंगाना चाहते हो तो आप आसान तरीके से मंगा सकते हो। बड़ी अपडेट है वोटर्स पोर्टल में। तो इस वीडियो में मैं आपको फुल डिटेल्स देने वाला हूं और स्टेप बाय स्टेप मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूं ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से आपका जो वोटर आईडी कार्ड को आप बना सकते हो। जो न्यू अपडेट आ चुका है एक कमाल का अपडेट है तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो वीडियो को आप फर्स्ट टू लास्ट देखिए और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का जो वीडियो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स इस प्रोसेस को करने के लिए आपको कोई भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है। तो देखिए मैंने क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लिया, आप कोई भी ब्राउजर से कर सकते हो। फिर आपको सर्च बार में जाना है, सर्च बार में जाके आपको टाइप करना है nbsp.in। तो इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसमें क्लिक करके आप डायरेक्टली इस वेबसाइट पर आ सकते हो। तो देखिए इसमें एक नया ऑप्शन आ चुका है जो वोटर्स पोर्टल बोल के लिखा हुआ है और बेटा बोल के लिखा हुआ है। तो न्यू अपडेट हो चुका है तो इसमें हम लोग देखेंगे। तो देखिए अगर आपको वोटर आईडी कार्ड अप्लाई करना है या कुछ भी करेक्शन करना है या रिप्लेसमेंट करना है तो आप जल्द से जल्द करवा लीजिए, क्योंकि जब न्यू अपडेट आता है, न्यू अपडेट आने के बाद जो एप्लीकेशन होता है एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होता है, मतलब जो भी आप एप्लीकेशन करेंगे वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो आपका करेक्शन हो रिप्लेसमेंट हो वो फटाफट से हो जाएगा। तो जितना जल्दी आप कर सकते हो कर लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। तो हम लोग इसमें क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा देखिए, और इसमें आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वोटर आईडी नंबर, पासवर्ड डाल के आप लॉगिन कर सकते हो अगर आपने पहले ही साइन अप कर लिया है तो। और अगर आपने साइन अप नहीं किया तो आप ईमेल से डायरेक्ट साइन अप हो सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि ईमेल से कैसे साइन अप किया जाता है। तो इसके लिए आपको नीचे मिलेगा साइन इन विद जीमेल, तो इसमें आपको क्लिक करना होगा। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपको जीमेल शो हो जाएगा। तो आप जिस जीमेल से लॉगिन करना चाहते हो तो उस जीमेल को आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसका जो पासवर्ड है पासवर्ड मंगा जाएगा, तो पासवर्ड देके आप नेक्स्ट कर दीजिए। तो नेक्स्ट करने के बाद आपको इस टाइप से लॉगिन हो जाएगा और आपको इस टाइप से एक इंटरफेस शो हो जाएगा। देखिए कॉन्ग्रेचुलेशन मतलब आपका जो लॉगिन हो चुके हैं। तो इसमें आपको एक टिक बॉक्स मिलेगा, तो टिक बॉक्स में जाके आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको देखिए इस टाइप से वेलकम लिखा हुआ रहेगा, तो वेलकम में आपको क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से शो हो जाएगा जिसमें पहले आपका जो नेम है नेम को इधर टाइप करना होगा। तो देखिए मेरा जो नेम मैं इधर टाइप कर रहा हूँ। तो नेम टाइप करने के बाद आपका जो स्टेट है स्टेट को इधर से सिलेक्ट करना होगा। तो इंडिया का सभी स्टेट इधर शो हो जाएगा तो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आपका जो जेंडर है जेंडर को इधर से आप सिलेक्ट कर लीजिए। तो मेल कर दिया, फिर आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जब आप सबमिट में क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें बहुत सारा ऑप्शन आपको मिलेगा, आप देख सकते हो न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन, करेक्शन इन वोटर आई डी, शिफ्टेड टू अदर प्लेस, रिप्लेसमेंट ऑफ वोटर आई डी, डिलीशन ऑफ वोटर आई डी। तो मैं सेक्शन वाइज अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि करेक्शन के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, शिफ्टिंग के लिए अलग वीडियो बनाऊंगा, रिप्लेसमेंट के लिए भी अलग वीडियो आपको मिल जाएगा फिर। तो आज हम लोग देख लेते हैं न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए कैसे किया जाता है और कैसे करके हम लोग न्यू वोटर आई डी कार्ड को मंगा सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो इसमें आपको नीचे मिलेगा लेट स्टार्ट, तो इसमें जाके आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से आ जाएगा, तो आप देख सकते हो आर यू अप्लाइंग फॉर द वोटर आई डी फर्स्ट टाइम। तो अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो यस कीजिए, अगर नहीं कर रहे हो तो पहले आपने कर लिया तो आप नो कर दीजिए। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि जो न्यू वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया जाता है, तो हम लोग यस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करके न्यू अप्लाई कैसे करते हैं देखेंगे। तो इसमें क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। तो इसमें तीन ऑप्शन रहेगा, यस आई एम एन इंडियन सिटीजन और मैं इंडिया में रहता हूँ, और यस आई एम एन इंडियन सिटीजन
सिटीजन, मैं बाहर रहता हूँ, और नो आई एम नॉट इन इंडियन सिटीजन। तो हम लोग फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है इसमें क्लिक कर देंगे, जिसमें येस आई एम एन इंडियन सिटीजन और मैं इंडिया में ही रहता हूँ। तो इसमें क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा और आपका जो मोबाइल नंबर है इसमें पुट करना है, फिर सेंड ओटीपी कर देना है। ओटीपी करने के बाद आपका मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को इधर आपको पुट करना है, पुट करके आपको वेरीफाई कर देना है। तो देखिए मैंने वेरीफाई कर दिया, वेरीफाई करने के बाद ये सक्सेसफुली हो जाता है। फिर आपको इसमें इस टाइप से इंटरफेस शो होता है, इसमें आपका डेट ऑफ बर्थ इधर आपको पुट करना होता है। तो पहले तो आपका जो डेट ऑफ ईयर रहता है तो ईयर को आप इधर से सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपका मंथ को सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आपका डे को सिलेक्ट कर लीजिए। तो देखिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर आपको एक सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें आप क्लिक कर दीजिए। तो क्लिक करने के बाद आपको बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। तो देखिए मैंने आपको क्लिक करके दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट, मार्कशीट, बर्थ सर्टिफिकेट, तो इस टाइप से बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स आपको इधर देखने के लिए मिलेगा। तो जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो आप इधर सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करके आपको अपलोड करना होगा। तो देखिए मैं इधर से पैन कार्ड को सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने पैन कार्ड को सिलेक्ट कर दिया। तो सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन होना है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद इसमें जो एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में आपको पैन कार्ड का नंबर पुट करना है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है इंटर द यूनिक नंबर रिटन ऑन सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। तो देखिए मेरा जो पैन कार्ड नंबर है मैं पुट कर रहा हूँ। पुट करने के बाद जो नीचे आपको लिखा हुआ रहेगा सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, तो इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपका जो पैन कार्ड है, पैन कार्ड को इधर अपलोड करना है। तो देखिए मैं ऑलरेडी बना के रख चुका हूँ, तो इसमें मैं अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद ये थोड़ा प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग हो गया, अपलोड हो जाएगा। तो देखिए ये प्रोसेसिंग हो रहा है, होने के बाद अपलोड इधर शो हो जाएगा आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करेंगे। तो देखिए शो हो गया, तो स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद देखिए अगर आपका एज 22 से ऊपर है तो आपको एज डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना होगा, यानी अपलोड करना होगा। तो डाउनलोड एज डिक्लेरेशन इसमें आपको क्लिक करना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, तो इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। प्रिंट आउट करने के बाद आपको इसको अच्छी तरह से फिलअप करना है। तो कैसे फिलअप करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए फर्स्ट में आपका नेम इधर लिखना है, फिर आपका जो फादर नेम है फादर नेम लिखना है, फिर आरओ के जगह आपका एड्रेस लिखना है, फिर आपको जो इधर इलेक्टोरल रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो इसमें आपका जो भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रहेगा उसका नेम इधर लिखना है। लिखने के बाद आपको सिग्नेचर करना है, डेट और प्लेस दे के आपको स्कैन करके फिर से अपलोड कर देना है। तो देखिए अब मैं आपको अपलोड करके दिखाता हूँ। तो देखिए ये अपलोड हो गया, और अपलोड होने के बाद आपको इस टाइप से दिखेगा। तो स्क्रॉल डाउन होना है और सेव एंड कंटिन्यू पे आपको क्लिक करके नेक्स्ट पेज पर जाना है। तो देखिए मैंने क्लिक कर दिया, तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो होगा। तो इसमें आपका नेम रहेगा और जो रीजनल लैंग्वेज है रीजनल लैंग्वेज में भी आपका नेम रहेगा। तो अगर आप एडिट करना चाहते हो तो आप एडिट कर सकते हो, अगर नहीं करना है तो जस्ट आपको प्रोफाइल में जाना है और एक फोटो इसमें अपलोड करना है। तो देखिए मैंने एक फोटो इधर अपलोड कर रहा हूँ। अगर आपको क्रॉप वगैरह करना है तो क्रॉप वगैरह करके भी आप इधर अपलोड कर सकते हो। तो देखिए हो गया, फिर क्रॉप में क्लिक करके आप अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो देखिए हो गया, फिर आपको थोड़ा देखिए स्क्रॉल डाउन होना है। स्क्रॉल डाउन होने के बाद आपको नीचे कुछ भी अगर आप डिसेबिलिटी है या आपका पैर में कुछ मतलब डिसेबिलिटी है या आँख में है या कान में है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए। तो ऐसा मेरा कुछ डिसेबिलिटी नहीं है तो मैं डायरेक्ट इसमें सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर रहा हूँ। तो क्लिक करने के बाद इस टाइप से आपको इंटरफेस शो हो जाएगा, आप देख सकते हो। फिर आपका जो फैमिली मेम्बर्स का डिटेल्स देना है, कोई भी एक फैमिली मेम्बर्स का आप डिटेल्स दीजिए, उनका वोटर आईडी का नंबर दीजिए, फिर उनका नाम इधर लिखिए। नाम लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन होना है। फिर आपका रिलेशन क्या है, फादर है, मदर है, हस्बैंड है या अदर है, तो इसी सब से आप सिलेक्ट करके आप नेक्स्ट एंड कंटिन्यू कर दीजिए। तो नेक्स्ट एंड कंटिन्यू करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, आपका जो एड्रेस है एड्रेस को इधर पुट करना है, आपका हाउस नंबर, लोकेलिटी, विलेज, एरिया और पिन कोड इधर आप टाइप कर दीजिए। तो देखिए मैंने टाइप कर दिया, फिर आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी को इधर पुट करना है। तो इधर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट को पुट करने के बाद जो आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो ऑटोमेटिक से इधर शो हो जाएगा, तो आप देख सकते हो। तो मेरा जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है मैं इधर से सिलेक्ट कर दिया स्टेट और डिस्ट्रिक्ट पुट करने के बाद। फिर आपको क्या करना है, थोड़ा स्क्रॉल डाउन होना है। तो देखिए स्क्रॉल डाउन हुआ, तो स्क्रॉल डाउन होने के बाद आप देख सकते हो सिलेक्ट योर एड्रेस प्रूफ, तो इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद बहुत सारा डॉक्यूमेंट्स इधर शो हो जाएगा, जैसे कि बैंक पासबुक, रेशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस,
इंडियन पासपोर्ट, इनकम टैक्स रिटर्न, तो जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है आप सिलेक्ट कर लीजिए। सिलेक्ट करने के बाद उसको अपलोड करना होगा। तो देखिए मैं इधर से बैंक पासबुक को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो सिलेक्ट करने के बाद पहले तो आपका जो बैंक पासबुक का नंबर देना होगा, यानी जो अकाउंट नंबर आप इधर से दीजिए। देने के बाद आप इस फाइल को अपलोड कर लीजिए। तो देखिए मैंने अपलोड कर दिया, तो अपलोड करने के बाद ये अपलोड हो जाएगा। तो अपलोड होने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपको एक डिक्लेरेशन देना है कि आप कितना दिन से इस जगह पे हो। तो इसमें आपको ईयर और मंथ को सिलेक्ट करना है। तो देखिए मेरा जो मैंने जो प्लेस दिया है, मेरा बर्थ प्लेस है, और मैं जितना दिन से मतलब इस जगह पे हूँ, मतलब मेरा डेट ऑफ बर्थ जितना दिन से है मैं इस जगह पे हूँ। तो मेरा जो डेट ऑफ ईयर है मैं ईयर को सिलेक्ट करने वाला हूँ, और मंथ जो मेरा डेट ऑफ बर्थ का जो मंथ है मंथ को मैं सिलेक्ट करने वाला हूँ। तो हो गया। देखिए तो होने के बाद आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद इसमें आपका नेम टाइप करना है, नेम ऑफ द एप्लीकेंट इस ऑप्शन में जाकर। फिर जो प्लेस है प्लेस को भी इधर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाएगा, जिसमें आपका फॉर्म का फुल डिटेल्स इधर रहेगा। तो आपको अच्छी तरह से इस फॉर्म को चेक करना है, ताकि किसी भी जगह गलती ना रहे। तो एक बार चेक कर लीजिए। तो चेक करने के बाद आपको क्या करना है, नीचे ऑप्शन मिलेगा, आप देख सकते हो। देखिए मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए एडिट फॉर्म बोल के लिखा हुआ है। तो एडिट फॉर्म में जाके अगर कुछ भी गलती रहता है तो आप इसमें क्लिक करके आप एडिट कर सकते हो। अगर कोई भी गलती नहीं है तो जो सबमिट का बटन है, सबमिट के बटन में जाके आपको क्लिक करना है। तो फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। चेक करने के बाद आप इसमें सबमिट कर दीजिए। अगर आपको इस पेज को प्रिंट आउट करना है तो आप सेव कर सकते हो, प्रिंट का कोई ऑप्शन नहीं है, आप सेव करके रख सकते हो। तो देखिए मैंने सबमिट कर दिया। तो सबमिट पे क्लिक कर दिए आपको इस टाइप से इंटरफेस शो हो जाता है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इधर आप देख सकते हो लिखा हुआ है, यू हैव सबमिटेड योर एप्लीकेशन फॉर न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली। मतलब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो चुका है, और आपका जो रेफरेंस नंबर है और रेफरेंस नंबर आपका ईमेल पे सेंड कर दिया गया है। रेफरेंस नंबर यानी एक्नॉलेजमेंट आईडी जो है सेंड कर दिया। तो इसको चेक करने के लिए आपको फिर होम पे जाना पड़ेगा। होम पर जाने के बाद इधर आप देख सकते हो ऊपर ट्रैक एप्लीकेशन, तो इसमें जाके आपको क्लिक करना है, और जो रेफरेंस नंबर है रेफरेंस नंबर इधर पुट करके आप ट्रैक योर स्टेट में क्लिक कर दीजिए। तो आपका एप्लीकेशन के स्टेटस क्या है आप आसानी से देख सकते हो। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है, और 100% गारंटी आपका हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही था। तो इस वीडियो रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो को क्लोज करते हैं। थैंक यू।